इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड को भी सुरेखा जी के जाने से गहरा नुकसान हुआ है। सुरेखा जी एक ऐसा हीरा थी जिसकी चमक इन इंडस्ट्री में खूब देखने को मिली है। लंबे वक्त से अपनी खराब सेहत से जूझ रही सुरेखा जी ने 16 जुलाई की सुबह जब दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा जग रो पड़ा और पीछे रह गई तो उनसे जुड़ी सिर्फ प्यारी प्यारी यादें। वर्ल्ड टीवी की दादिसा की असल जिंदगी की कहानी भी काफी गजब की रही है। जी हाँ, बालिका वधू की दादिसा कल्याणी देवी की रियल स्टोरी तो बहुत देखी आपने, लेकिन आज हम आपको उनकी असल जिंदगी की गजब कहानी सुनाएंगे। सुरेखा सिकरी का कैसे हुआ बॉलीवुड डेब्यू। 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में जन्मी सुरेखा सिकरी जी अमरोहा और नैनीताल में पली बढ़ी। उनका बचपन से सपना था कि वो बड़े होकर एक पत्रकार बने, लेकिन शायद सुरेखा जी की किस्मत कुछ और ही चाहती थी। सुरेखा जी के पिताजी एयरफोर्स में थे और माँ एक टीचर थी। पढ़े लिखे परिवार से होने की वजह से सुरेखा जी को अपनी मंजिल हासिल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सुरेखा जी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी बीए की पढ़ाई की और फिर 1968 में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय एनएसडी में दाखिला लिया। 1971 में एनएसडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुरेखा जी ने थिएटर में काम करना जारी रखा और लगभग एक दशक से अधिक समय तक एनएसडी रिपर्टरी कंपनी से जुड़ी रही। सुरेखा जी ने संध्या छाया, तुगलक और आधे अधूरे जैसे कई मशहूर नाटक किए। इसके बाद सुरेखा जी ने मुंबई का रुख किया। साल 1998 में सुरेखा जी ने फिल्म किस्सा कुर्सी का से बॉलीवुड में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जिसमें 1986 में आई तमस, 1991 में आई नजर, 1996 में आई सरदारी बेगम, 1999 की सरफरोश, साल 2004 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा शामिल है। टीवी पर बनी कभी कड़क सास तो कभी चुलबुली दादी। बॉलीवुड में लगभग 50 साल तक काम करने के बाद सुरेखा जी ने टीवी पर डेब्यू किया। अपनी पहली टीवी सीरियल बालिका वधू में सुरेखा जी एक सख्त सास के रूप में नजर आई। झूले पर बैठे हुए सुरेखा जी के कड़क डायलॉग लोगों के दिलों में जा बसे और रातों रात वो हर घर में मशहूर हो गई थी। बालिका वधू के अलावा वो शो एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल में कड़क सास का रोल प्ले करती हुई नजर आई। सुरेखा जी को लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने टीवी के लगभग सभी सीरियल्स में दादी या बड़ी माँ के किरदार में अपने एक्टिंग का अनोखा ही रूप दिखाया। 12 साल पहले हो गई थी पति की मौत। आपको बता दें कि सुरेखा जी ने हेमंत रेगे से शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा है राहुल सिकरी। राहुल मुंबई में रहते हैं और बतौर आर्टिस्ट काम करते हैं। सुरेखा सिकरी जी के हस्बैंड हेमंत रेगे का निधन 12 साल पहले 20 अक्टूबर 2009 को हार्ट फेल होने की वजह से हुआ था। पति के निधन से सुरेखा जी काफी टूट गई थी, लेकिन तमाम दुखों के बावजूद वो अपनी एक्टिंग से सभी को एंटरटेन करती रहीं। एक्टर नसीरुद्दीन शाह से है रिश्ता। जी हाँ, सुरेखा सिकरी जी का फैमिली कनेक्शन नसीरुद्दीन शाह से भी रहा है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह की दो शादियां हुई थी। रत्ना पाठक से शादी से पहले नसीर की शादी मनारा सिकरी से हुई थी। हालांकि ये शादी लंबी नहीं चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनारा नसीर से 14 साल बड़ी थी और घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली थी और एक बेटी हुई जिसका नाम है हिबा शाह। मनारा सुरेखा सिकरी जी की सौतेली बहन है। रिश्ते में हिबा सुरेखा सिकरी जी की भांजी है और दिखती भी उन्हीं की तरह है। आपको बता दें कि हिबा ने बालिका वधू में थोड़े समय के लिए दादिसा के यंग वर्जन वाले रोल को भी निभाया था। वह सुरेखा जी की जिंदगी की कहानी उनके तमाम चाहने वालों के लिए किसी बड़ी प्रेरणा से कम नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वो भी खराब सेहत होने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी और अपने फैंस को एंटरटेन करते रहे। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि सुरेखा जी इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएंगी।